नमो नमः मित्राणि। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज संस्कृत भाषा या शिक्षण में सीडैट 2019 की परीक्षा से संबंधित भाषागत दोष पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। देखिए मित्रों, आपको बता दूँ, भाषागत दोष से संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है। इट्स टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। भाषागत दोष लगता तो बहुत सरल है, लेकिन वस्तुतः ये वास्तव में कठिन है। तो आप इसको क्लियर देखिए, निश्चित रूप से आपको जो है समझ में आएगा, बहुत सरलतम ढंग से आपको बताया जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, कोई भी बालक स्कूल के स्थान पर ई स्कूलस्य उच्चारण करता है, स्कूल के जगह पर ई स्कूल का उच्चारण करता है, तत्र का दोषः अस्ति, यहाँ पर कौन सा भाषागत दोष विद्यमान है। अमितो प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है, कोई शब्द दे देगा या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा भाषागत दोष है, या जो है बिना शब्द दे दिए आपको पूछ लिया गया कि स्वर विपर्य या वर्ण विपर्य या शब्द विपर्य दोष किन शब्दों में विद्यमान है, चार शब्द दे दिए उसमें से पूछ लिया गया, तो किसी पर भी प्रकार से आपको घुमा करके प्रश्न पूछे, आप उसका उत्तर स्पष्टतः दे लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोपि बालकः स्कूल स्थानात् ई स्कूलस्य उच्चारणं करोति तत्र का दोषः अस्ति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरः, आप देखें स्कूल शब्द, स्कूल, मित्रों आपको बता दूं, ये सा जो होता है, अगर ये सा आधा सा, इसको दंत सा बोला जाता है, अर्ध दंत सा अगर कहीं पर भी दिया गया है और उसके बाद में अगर व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण के होने पर इसके बाद में अगर व्यंजन वर्ण है तो निश्चित रूप से इसके पहले स्वर जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं, स्वर जोड़ने का मतलब बिना स्वर के उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं आपको अभी बहुत सरल एग्जांपल बताऊंगा, तो देखें आप स्कूल है, ये का आपका व्यंजन है, का व्यंजन है, सा आपका दंत स है, इसलिए इसके पहले हमको ई स्कूल जोड़ करके बोलना पड़ेगा, ई स्कूल, स्कूल को ई स्कूल बोलते हैं। लेकिन मित्रों, अगर इसके बाद में स्वर रहेगा, जैसे श्याम लिखा है, अब ये जो य वर्ण है ये आपका स्वर है, इसको हम सेमी बाबेल बोलते हैं, सेमी वॉवेल, ये सेमी वॉवेल है, अर्ध स्वर है, तो स के बाद में अगर स्वर वर्ण होगा तो पहले स्वर नहीं लगाना पड़ेगा, और अगर स के बाद में व्यंजन वर्ण होगा तो निश्चित रूप से आपको स्वर लगाना पड़ेगा। तो हमारा प्रश्न है इसमें कि स्कूल स्थानात् ई स्कूलस्य उच्चारणं करोतु तत्र का दोषः अस्ति, तो स्वरागम दोष, स्वर का आगम कर ले रहा है बच्चा, स्वर लगा करके तब बोल रहा है, आगम का मतलब जो जोड़ दिया जाए, स्वरागम, स्वर को पहले जोड़ दिया जा रहा है, इसलिए यहां पर स्वरागम दोष विद्यमान है। मित्रों एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इससे संबंधित वागेश्वर ने हिंदी में वीडियो अपना प्रस्तुत किए हैं भाषागत दोष से संबंधित, आप उनके वीडियो को दो बार तीन बार जरूर देखिएगा, उसमें उन्होंने विस्तृत इसका उल्लेख किया है। अब उससे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उनका वर्णन मैं आपको कर दे रहा हूं, लेकिन उनका वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो देखिए इसमें इस स्कूल के जगह पर ई स्कूल जो आया है ये किस प्रकार का दोष है, तो ये स्वरागम दोष यहां पर विद्यमान है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा मित्रों, स्वर भक्ति दोषस्य पंचोदाहरणं ददत् दे, स्वर भक्ति दोष का पांच उदाहरण दीजिए। स्वर भक्ति का मतलब हुआ
किसी में स्वर नहीं जोड़ा गया है, लेकिन स्वर से भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए, जोड़ हो जाए, स्नेह हो जाए, जिसके कारण न स्वर होते हुए भी आप स्वर जोड़ करके बोलने लगे, तो वही दोष है आपका, स्वर भक्ति दोष कहलाता है। जैसे राजेंद्र है, राजेंद्र महेंद्र सुरेंद्र कपेंद्र गजेंद्र भूपेंद्र महेंद्र, इतने शब्दाः प्रयुक्ताः, परंतु अस शब्दस्य स्थाने राजेंद्र स्थाने राजेंद्र, महेंद्र स्थाने महेंद्र, सुरेंद्र स्थाने सुरेंद्र, गजेंद्र स्थाने गजेंद्र। तो गजेंद्र गजेंद्र कहाँ गजेंद्र है और उसके स्थान पर बोला क्या जा रहा है, गजेंद्र द में अ का उच्चारण किया जा रहा है, इसका मतलब है अ आपका स्वर है, तो स्वर भक्ति दोष यहां पर विद्यमान है। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब है कि जब कहीं पर स्वर न विद्यमान हो, जैसे द्र का मतलब है, द्र का मतलब है द धन र, यही है, इसमें द में आपका स्वर नहीं है, लेकिन अगर यहां पर हम द र ऐसे अगर बोले तो यहां पर स्वर भक्ति दोष है मित्रों। स्वर भक्ति दोष हमको लगता नहीं है कि हम कोई दोष कर रहे हैं, लेकिन वो दोष हो जाता है, ये स्वभावतः मातृभाषा के द्वारा प्राप्त है, वातावरण के द्वारा अर्जन किया है हमने, जिसके प्रभाव से यह दोष हमारे भाषा में विद्यमान हो जाता है मित्रों। तो यहां पर जो है यही आपका स्वर भक्ति दोष है, स्वर के प्रति भक्ति हो जाना, ना स्वर होते हुए भी स्वर को लगा करके बोलना ही स्वर भक्ति दोष कहलाता है। जैसे गजेंद्र है गजेंद्र, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, गजेंद्र महेंद्र भूपेंद्र, ए भूपेंद्र, यहाँ आवाज जैसे बोलते हैं ना, हाय नाम उनका भूपेंद्र, लेकिन गांव ग्राम में जो है माताएं कहती है भूपेंद्र यहाँ आओ बेटवा, तो इसका मतलब है कि वो मातृगत भाषा दोष है, स्वर दोष है, तो स्वर भक्ति दोष यही कहलाता है मित्रों, ठीक है ना। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, महाप्राण दोषस्य उदाहरणेन स्पष्टीकरण करो, महाप्राण दोषस्य। अब मित्रों इसके लिए हमको थोड़ा सा देखिए देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। महाप्राण और अल्प प्राण दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, जिसमें वायु ज्यादा लगे महाप्राण है, प्राण माने वायु, वायु माने हवा, महाप्राण ज्यादा वायु, अल्प प्राण कम वायु, तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सल प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा स ख स ह, ये आपके किस्में आते हैं महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर्ग है तो कवर्ग का दूसरा अक्षर है ख और चौथा अक्षर है घ, तो ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, ये आपका जो है महाप्राण में आएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अल्प प्राण में क्या आता है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यण, वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य व रल, ये आता है। अब मित्रों देखिए,
यहां प्रश्न पूछा गया है कि महाप्राण दोसर से उदाहरण, तो महाप्राण का मतलब है कि वर्ग का दूसरा या और चौथा वर्ण आया हो, लेकिन अगर उसके स्थान पर पहला तीसरा और पांचवा प्रयुक्त किया जाए तो वही दोष हमारा प्रयत्न महाप्राण दोष कहलाता है, प्रयत्न दोष। ठीक है, जैसे घर को लड़का घर बोलता है, घर को घर बोलता है, तो घा में घा जो है आपका चौथा वर्ण है, चौथे वर्ण को तीसरा वर्ण घर बोल रहा है, इसलिए घा महाप्राण से संबंधित दोष है। यहां छाता को चाता बोलता है, छ को च, छ दूसरा वर्ण है महाप्राण है, च पहला वर्ण है अल्प प्राण है, तो महाप्राण को अल्प प्राण में बदल करके बच्चा बोल रहा है, इसलिए यहां पर महाप्राण का दोष माना जाएगा। खर दूषण को कर दूषण बोलता है, खर दूषण को कर दूषण बोलता है, तो खर दूषण में भैया ख जो आपका है वो आपका दूसरा अक्षर है, तो दूसरा अक्षर का मतलब महाप्राण है, और कर में का जो आपका है पहला वर्ण है इसका मतलब है अल्प प्राण है, तो महाप्राण को अल्प प्राण में बदल करके बोल रहा है, इसलिए महाप्राण दोष यहां पर भी विद्यमान है। जब प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को पहला तीसरा और पांचवें में बदल करके बोला जाए तो मित्रों वही आपका जो है महाप्राण दोष है, और अगर पहले तीसरे पांचवें की जगह पर दूसरा और चौथा बोला जाए तो मित्रों यही आपका अल्प प्राण दोष है। महाप्राण और अल्प प्राण दोनों में अंतर आप समझ लीजिए, महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, जब दूसरा चौथा निकल गया तो पहला तीसरा पांचवा बचता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में पांच अक्षर होते हैं। तो अगर अल्प प्राण से महाप्राण, महाप्राण से अल्प प्राण, अगर पहले के स्थान पर दूसरा प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर अल्प प्राण से संबंधित दोष है, और दूसरे के स्थान पर पहला हो रहा है तो वहां पर महाप्राण से संबंधित दोष है। अब इसके बाद मित्रों हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्ण विपर्य दोष का, वर्ण माने अक्षर का, विपर्य माने बदलाव कर देना, एक अक्षर के स्थान पर दूसरा और दूसरे के स्थान पर पहला, तो यही वर्ण विपर्य दोष होता है। ये दो तीन प्रकार का दोष होता है, व्यंजन विपर्य भी होता है, स्वर विपर्य भी होता है, और शब्द विपर्य दोष भी होता है। तो देखिए पहले व्यंजन दोष में हमें आप देखें, यहां पर मतलब है, मतलब इसका मतलब क्या है, तो मतलब को बच्चा क्या जो है मतबल बोलता है, प्यार की भाषा में उसको मतलब को मतबल बोल रहा है। लड़का लड़का लड़की, लड़का लड़की को हम लकड़ा लकड़ी बोल देते हैं कभी कभी, लकड़ी लड़की को लकड़ी, तो यहां पर क के जगह पर ड़ और ड़ के जगह पर क हो गया। मित्रों यहां ये ध्यान दीजिएगा, जोड़ा दिया है, ये आपका एक ग होता है, एक ड होता है, और ये आपका अंग होता है, एक ड ड अंग, और ये आपका अण है, ये ण है, ये अण, जैसे सड़क 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 सड़क, तो सड़क में ण आ रहा है, और कोण कोण, अण 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 इसको बोला जाता है अ लगा करके, तो ये ण और अण। इसी प्रकार से मित्रों ढा है और ढा है, अगर इसके नीचे बिंदी है तो ये ढा है, चढ़ाई मढ़ाई कढ़ाई कोढ़ ढा ढा, और ये आपका ढा है, ढक्कन ननाद ढक्काम नव पंचवारणम नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारणम, ये उस समय के प्रसंग का वर्णन है जिसमें भगवान शंकर जो है तांडव नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य नहीं वैसे ही नृत्य कर रहे थे, तो नृत्य के समय में उनके डमरू से जो है नव पंचवारणम, नव और पांच बार आवाज निकली। मित्रों वही पाणिनि जी ने अपने व्याकरण शास्त्र का आधार बना लिया और वही माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने गए,
जिसके आधार पर संस्कृत का व्याकरण तैयार किया गया। तो ये थोड़ा वर्णों को भी आप जानते रहिएगा। अब इसके बाद मित्रों आता है उपधमानीय तथा च जिह्वामूलीय का। उपधमानीय और जिह्वामूलीय क्या है इसको हमें आप लोगों को थोड़ा सा बृहद में बता दे रहे हैं। देखिए मित्रों ऐसा है, ये बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं इसमें, किसी भी वर्ण के किसी भी शब्द के बाद में विसर्ग लगाया जाता है। विसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के बाद में लगता है। अब ध्यान दीजिए, इस विसर्ग को थोड़ा बड़ा हम कर दे रहे हैं, आधा इसका मिटा दीजिए और आधा इसका भाग मिटा दीजिए तो यही बचता है। ये जो आपका बचा इसको हम बोलते हैं अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग, ये अर्ध विसर्ग है मित्रों। लेकिन यह अर्ध विसर्ग कहां और कब लगाया जाता है और पहले या बाद में लगता है तो क्या इसका मतलब होता है? विसर्ग हमेशा शब्दों के बाद में लगता है, लेकिन अर्ध विसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगाया जाता है। प्रागर्ध विसर्ग सदृशौ प्राक अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग हमेशा प्राक माने पहले जोड़ा जाता है। तो मित्रों क और ख के पहले अगर यही अर्ध विसर्ग दिया है, अह इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय, तो ये क्या है? ये जिह्वा मूलीय है। जिह्वा मूली, और यही अर्ध विसर्ग प और फ के पहले लग जाए तो यही क्या हो जाएगा? उपधमानी। अह इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदसो जिह्वा मूलिया अह इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदसो उपधमानीय। अगर प और फ के पहले यही अर्ध विसर्ग आया है तो उपधमानीय बन गया, और यही अर्ध विसर्ग अगर क और ख के पहले आया है मित्रों तो यही आपका जिह्वा मूलीय बन गया। ये मूल मंत्र है, आप जान लीजिए कि अर्ध विसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द के पहले लगता है, जबकि विसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के बाद में लगाया जाता है। मित्रों इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो अर्ध विसर्ग, अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका उपयोग क्या है? तो जैसे लिखा है बालकः खादति, बालक खाता है। अब इस विसर्ग के बाद में ख आ रहा है, ध्यान दीजिए, यानी ख के पहले जो ये विसर्ग आया है ये किसमें चेंज हो जाएगा? अर्ध विसर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं बालक खादति, बालक खादति। ये शुद्ध वाक्य है आपका, लेकिन ये विसर्ग तभी अर्ध विसर्ग में चेंज होगा जब इसके बाद में ख होगा या क होगा, यानी क और ख के पहले जो विसर्ग होता है वो अर्ध विसर्ग हो जाता है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से प और ख, जैसे वृक्ष पतति, वृक्ष गिरता है। अब यहां पर विसर्ग है, इसके बाद में प आया है, यानी प के पहले विसर्ग है तो क्या हो जाएगा? वृक्ष, वृक्ष पतति। ये आपका प के पहले जो अर्ध विसर्ग है आपका उपधमानीय है, और क और ख के पहले जो अर्ध विसर्ग है ये आपका जिह्वा मूली है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अनुनासिक से संबंधित दोष भी पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग कहते तो हैं आंख, आंख है आंख, ये चंद्रबिंदी है, अनुनासिक है। अनुनासिक अननुनासिक, मुख सहित नासिको चार्यमाणो अनुनासिकः,
मुख के सहित नासिका से जिनका उच्चारण होता है वह वर्ण अनुनासिक है, और न अनुनासिक अननुनासिक जिनका केवल मुखगत भागों से उच्चारण होता है उनको अननुनासिक कहा जाता है। मुख सहित नासिको चार माणो वर्णो अनुनासिक, और केवल मुखेन एव उच्चारणो जस वर्णस्य भवतु तस्य नाम अननुनासिक। तो मित्रों, आज मैं इन्हीं पांच प्रश्नों की श्रृंखला के साथ इनसे संबंधित व्याख्या आपको प्रस्तुत किया, भाषागत दोष से संबंधित। अब मित्रों, इसी प्रकार से मैं आपको अगले वीडियो के अंतर्गत भाषा कौशल से दोष बताएंगे, उसमें कौन कौन दोष विद्यमान होते हैं, उसकी क्या उपयोगिता होती है, कैसे उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चंद्रा का वीडियो देख रहे हैं या चंद्रा कोचिंग में आ गए हैं तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, सही जगह पर है आप। आप वीडियो को देखते रहे दो बार, तीन बार, चार बार, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो अपने मित्रों में भी प्रसारित करें, उससे मुझको भी खुशी मिलेगी और आपको भी संतुष्टि मिलेगी। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद।